आतंकियों को छिपने के लिए जगह नहीं मिलने वाली। ये वो शक्तिशाली हथियार है जो बेशुमार खासियतों से लैस है, जो पल भर में टैंक के चीथड़े उड़ा देगा, जो बंकर में छिपे दुश्मन को तबाह कर देगा। स्पाइक के निशाने पर पाकिस्तान, एलओसी पर तैनात दुश्मन की मौत का सामान। पलक झपकते ही बंकर और टैंक होंगे तबाह। थल नभ में कहीं नहीं बचेगा पाकिस्तान। हिंद का अग्नि कवच, आसमान से आग बनकर बरसेगा, वो दुश्मन पर काल बनकर टूटेगा। उसका निशाना अचूक है, वो हिंद के बाहुबली है, वो शूरवीरों का रखवाला है, वो आतंक के अंत का हथियार है। उनकी गर्जना से दुश्मन परेशान है, वो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। लेकिन अब वो हिंदुस्तान की सरहद का मान है, क्योंकि हिंदुस्तान ने सरहद पर उसे तैनात कर दिया है, जो पलक झपकते ही आतंकियों को तबाह कर देगा। जो बंकरों और टैंकों को इस वार से नेस्तनाबूद कर देगा, वो है हिंद का अग्नि कवच स्पाइक। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ सरहद पर नई नई साजिशें रचता है, हिंदुस्तान में कत्लेआम मचाने के लिए सरहद पर आतंकियों की घुसपैठ कराता है। लेकिन अब संभल जाओ पाकिस्तान, क्योंकि सरहद पर तैनात पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ सरहद पर नई नई साजिशें रचता है, हिंदुस्तान में कत्लेआम मचाने के लिए सरहद पर आतंकियों की घुसपैठ कराता है। लेकिन अब संभल जाओ पाकिस्तान, क्योंकि सरहद पर तैनात है हिंद का सबसे घातक रखवाला। एलओसी पर भारतीय सेना ने इसराइल में बनी एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक को तैनात कर दिया है। स्पाइक की तैनाती से पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। स्पाइक मिसाइलों को दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइक एक पोर्टेबल मिसाइल है और इतनी शक्तिशाली है कि टैंक को नष्ट कर सकती है और 4 किलोमीटर के दायरे में बंकर को तबाह कर सकती है। यानी अब पाकिस्तान अगर कोई हरकत करेगा तो हिंद का अग्नि कवच उसे बर्बाद कर देगा। आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करेंगे तो पल भर में उनके ठिकाने तबाह कर दिए जाएंगे। साथ ही स्पाइक मिसाइल देश की सुरक्षा के लिए सबसे अहम है, जिसका असर रक्षा हालात पर पड़ेगा और हिंदुस्तान की सेना का हौसला बुलंद होगा।
और साथ ही बॉर्डर पर हिंदुस्तान और मजबूत होगा, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन अपने नापाक इरादों के चलते घुसपैठ की कोशिश करता है। हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, ये बात पाकिस्तान जानता है, लेकिन अब बारी उसे ये दिखाने की है कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा देने के लिए हिंदुस्तान की सेना पूरी तरह से तैयार है। अगर अब आतंकियों ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की तो उसकी कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।